गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। पहले तो आप लोगों को हैप्पी नागपंचमी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। तो देखिए, कल हम लोग ने बात कर ली थी खेड़ा सत्याग्रह तक। गांधी जी का सफर चल रहा है भारत में, और इस सफर के दौरान हमने ये देखा था चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मालिक आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोलेट सत्याग्रह। ठीक, तो हेडिंग दे दीजिए गांधी जी का अगला आंदोलन रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस दौरान भारत में एक नियम बना था जिसे कहते हैं भारत रक्षा अधिनियम। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नियम बनाया गया था, उस नियम को क्या कहते हैं, भारत रक्षा अधिनियम। 1914 से लेकर 1918 तक ये नियम था। इस नियम का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और इस नियम का विरोध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के दौरान किसी पर भी, किसी व्यक्ति पर शक हुआ कि लगता है ये कुछ गलत कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उस समय कोई केस वेस नहीं होता था, तो ये अधिनियम कहलाता है भारत रक्षा अधिनियम। प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ, 1918। तो ये नियम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1918 में भारत रक्षा अधिनियम समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन सरकार को ये चिंता सताने लगी कि अब हम कैसे फिर से वही नियम लेकर के आए, अब तो युद्ध समाप्त हो गया है। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति को कहते हैं रोलेट समिति। उस समिति को क्या कहते हैं, रोलेट समिति। तो पहले रोलेट समिति देखें क्यों बनाई गई, ताकि जो भारत रक्षा अधिनियम है उसी तरह का कोई और नियम बनाया जा सके, है ना। तो रोलेट समिति, रोलेट समिति, रोलेट समिति में लिखे रोलेट समिति 1919, 1919, ठीक है। यह समिति सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी। अरे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी। ठीक है, यह समिति सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी। कौन सी समिति, रोलेट समिति, ठीक है, सिडनी रोलेट। क्या काम था इस समिति का, इस समिति का काम था कि भारत रक्षा अधिनियम की तरह ही कोई दूसरा अधिनियम बनाया जाए। इस समिति का काम क्या था, भारत रक्षा अधिनियम, अब भारत रक्षा अधिनियम 1918 में खत्म हो गया था, तो अब इसकी जगह पे क्या बनाए, कैसे काम चलाए, है कि नहीं। तो भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर क्या करें, भारत रक्षा अधिनियम क्या है, भारत रक्षा अधिनियम है शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, जो कि 1914 में बना था और 1918 तक काम किया। और 1918 में खत्म क्यों हो गया, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो अब भैया भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर क्या करें, क्योंकि अब तो ब्रिटेन सरकार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि ये नियम तो खत्म हो गया। तो इन्होंने एक समिति बना दी, रोलेट समिति, और कहा ये इस समिति का काम है कि वो बताए भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर हमें क्या करना है, कैसे गिरफ्तार करें लोगों को। तो इस समिति ने एक सुझाव दिया, रोलेट एक्ट बना दो। क्या बना दो, रोलेट एक्ट बना दो। और ये रोलेट एक्ट वही काम करेगा जो भारत रक्षा अधिनियम करता है, और बल्कि उससे भी भयानक काम करेगा। तो इस समिति ने सुझाव दिया, इस समिति का सुझाव देखिए क्या है, समिति की रिपोर्ट चाहिए या सुझाव चाहिए। जब भी कोई समिति बनाई जाती है तो समिति अपनी क्या देती है, सुझाव देती है या रिपोर्ट देती है।
तो इस समिति का सुझाव क्या था? इस समिति का सुझाव था भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर एक एक्ट बना दिया जाए जिसे क्या कहा गया, रोलेट एक्ट कहा गया। रोलेट क्या है? एक व्यक्ति का नाम, पूरा नाम क्या था इनका, सिडनी रोलेट, इन्हीं के नाम पे बनाया गया रोलेट एक्ट। एक्ट क्या होता है? अधिनियम। तो एक अधिनियम आया। अब देखिए ये रोलेट एक्ट है क्या, रोलेट एक्ट आ तो गया, अब ये रोलेट एक्ट है क्या, तो अगली हेडिंग आ जाएगी रोलेट एक्ट। अगली हेडिंग आ गई रोलेट एक्ट। यहां तक की कहानी समझ में आई? फिर से एक बार इतना बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट क्या है? सबसे पहली बात है, एक नियम था भारत रक्षा अधिनियम, एक अधिनियम चल रहा था भारत रक्षा अधिनियम। कब से कब तक चला बेटा? 1914 से 1918। क्या काम था इसका? शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, ये भारत रक्षा अधिनियम कहता था। ठीक, तो शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना भारत रक्षा अधिनियम कहता था, ठीक है। युद्ध के दौरान लाया गया, युद्ध खत्म हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भैया अब कैसे गिरफ्तार करें लोगों को? अब गिरफ्तार करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई दूसरा नियम चाहिए, कोई दूसरा कानून चाहिए। तो अब इसकी जगह पर एक दूसरा कानून बनकर के आया, दैट इज रोलेट एक्ट। कौन सा कानून बनकर आया? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट है क्या? रोलेट एक्ट सुन लीजिए क्या है। आप पे शक हुआ, आपको तुरंत क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद आपको वकील करने की आजादी नहीं होगी। आप वकील, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गांधी जी ने इसको कहा था, गांधी जी ने इस कानून को कहा था, बिना वकील बिना अपील बिना दलील। लेकिन क्यों कहा था ये भी सुनिए। पहला काम क्या हुआ कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा, आपको अपनी दलील देने की, जैसे आपको अगर गिरफ्तार किया गया तो आप अपनी सफाई पेश करते ना कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मैंने ऐसा नहीं किया। आप बोलते हैं ना कि ये काम मैंने नहीं किया, अपनी सफाई पेश करते हैं, तो आपको सफाई देने का अधिकार नहीं है, आपको वकील करने का अधिकार नहीं है, और एक गुप्त अदालत के तहत आप पर मुकदमा सुनाया जाएगा और आपको 2 साल के लिए जेल हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड रोलेट एक्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है? जब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, आपको अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सफाई देने का है ही नहीं इसमें एक प्रावधान, सफाई आप नहीं दे सकते, वकील आप नहीं कर सकते, केस चलाया जाएगा और केस चला करके आपको क्या दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। तो ये अच्छी बात थी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। दिस इज कॉल्ड रोलेट एक्ट। और लाया क्यों गया? क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम, यानी भारत रक्षा अधिनियम से भी पावरफुल नियम, समझ रहे ना मेरी बात क्या कह रहे हैं, भारत रक्षा अधिनियम से भी पावरफुल। अब पढ़ते हैं रोलेट एक्ट, और देखिए एक क्रम है। पहले क्या बनाया गया? रोलेट समिति। क्यों बनाई गई? इसकी जगह पे क्या लाया? इसकी जगह पे क्या लाया? फिर क्या आया? रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी क्या चलाएंगे? रोलेट सत्याग्रह। इस रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी क्या चलाएंगे? रोलेट सत्याग्रह। है बात की नहीं? पूरी बात समझ में आ गई? तो समिति अलग है, एक्ट अलग है और सत्याग्रह अलग है। पहले समिति, फिर एक्ट, फिर सत्याग्रह। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट मैंने बता दिया, उसको 3-4 पॉइंट में लिख दूं। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट में लिखिए पहला काम क्या है। पहला क्या है? शक के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, सफाई नहीं दे सकते, सफाई नहीं दे सकते कि हमने ये नहीं किया, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कह सकते आप। तीसरा, वकील नहीं कर सकते, वकील नहीं कर सकते। अगला,
गुप्त अदालत के तहत सुनवाई होगी, गुप्त अदालत के तहत सुनवाई, गुप्त अदालत के तहत सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद कितने साल की? दो साल की सजा, दो साल की सजा। यही था रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट की सुझाव किसने दिया? रोलेट समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रोलेट। उन्होंने कहा रोलेट एक्ट बना दीजिए। क्यों समिति बनाई गई थी? क्योंकि 1918 में युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, और जो नियम चल रहा था कौन सा? भारत रक्षा अधिनियम, जिसके तहत हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, अब वो खत्म हो गया, उसकी जगह दिया गया। सिडनी रोलेट एक अंग्रेज व्यक्ति है, ठीक है, गवर्नर भी रहे हैं सिडनी रोलेट, ठीक है। हाँ, इस टाइम नहीं, बिल्कुल इस टाइम गवर्नर नहीं थे, लेकिन थे तो ब्रिटेन में। तो जब भी कोई समिति बनाई जाएगी तो कोई ना कोई अध्यक्ष तो बनाया ही जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नर को ही अध्यक्ष बनाया जाए, कोई भी व्यक्ति हो उसे अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, आप देखिए, इस रोलेट एक्ट को कहा किसने, क्या क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसे काला कानून। सुन लीजिए, बट नोट कर लीजिए, जिन्ना ने क्या कहा इसको? जिन्ना ने कहा इसे काला कानून, ठीक, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरे कौन आते हैं? गांधी जी। गांधी जी ने इसको क्या कहा? गांधी जी ने इसको कहा बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। सही बात है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना दलील का कानून, ठीक। तो ये सब मतलब इस कानून को क्या क्या कहा गया। तो ये कानून अच्छा नहीं था, इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा, इस कानून को जिन्ना ने क्या कहा, आपने देखा। उसके बाद देखिए अब क्या बता रहे, इस रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन को कहते हैं रोलेट सत्याग्रह। एक्चुअली ये रोलेट एक्ट आया कहां पर, ये आंदोलन कहां पे शुरू हुआ? पंजाब में। कहां पे शुरू हुआ रोलेट एक्ट, सॉरी रोलेट सत्याग्रह कहां पे शुरू हुआ? पंजाब में। और गांधी जी उस समय पंजाब में थे, नहीं केवल पंजाब ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, उस समय क्या था, पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो सिंध और बलूचिस्तान और जो एरिया है वहां पर, लाहौर वाला एरिया, भारत का जो पश्चिमी भाग है सारा, वहीं पर ये पूरा उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ जो पढ़ेंगे पंजाब समझ के आप कहाँ है, ठीक है। पंजाब के मतलब राजस्थान आप देख लीजिए, राजस्थान के मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, और आपको क्या दिखाई पड़ जाएगा, गुजरात का कुछ एरिया देख लीजिए, और उधर बलूचिस्तान और सिंध वाला एरिया। तो यहाँ पर ये रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ, और उस समय गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, गांधी जी आना चाहते थे पंजाब, और उनके पंजाब आने पर क्या कर दी, रोक लगा दी गई। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, पंजाब में नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप लोग हड़ताल शुरू करिए। इस एक्ट के विरोध में, यहाँ समझिएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, और इसके लिए 7 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी हड़ताल कर दी। कौन सी डेट है? 7 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी हड़ताल व्यक्त कर दी, ठीक। अब अंग्रेजों को लगा गांधी जी को गिरफ्तार करो, एक मिनट बोल दे, हाँ बोलिए। बहुत सारे माध्यम थे, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि हर एक जगह का लीडर होता था, हर एक जगह का एक लीडर होता था, और उस लीडर के माध्यम से जब समाचार पत्र प्रकाशित होते, समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे, तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये सारी चीजें फैल जाती थी। और एक दिन देखिए 7 अप्रैल में टाइम लगा ना इतना, तो 4-5-6 दिन का समय ये लोग ले देते और फिर सारी जगह में बता देते थे कि सबको क्या कर देना, इस दिन हड़ताल कर देनी। 4-5 दिन लगता था, ठीक है, फोन बहुत होते नहीं थे, जानते सर फोन था नहीं। तो 7 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया गया, विश्वव्यापी हड़ताल कर दी गई। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों को लगा गांधी जी को गिरफ्तार करो वरना ये रोलेट सत्याग्रह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डेट याद हो गई, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो प्रमुख नेता थे रोलेट सत्याग्रह के, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी स्थिति में लाला हंसराज ने 12 अप्रैल को एक हिंदू कॉलेज में सभा की, ठीक है, ये पंजाब में ही है सब, वहां सभा की, लोगों को एकत्रित किया और कहा ऐसा है अमृतसर के जलिया वाले बाग में सब लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर हम लोग सभा करेंगे, और सभा करके क्या कहेंगे कि भाई कैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और महात्मा गांधी को बाहर निकाले छोड़ाए, इस बारे में विचार करेंगे। ऐसा किसने कहा? लाला हंसराज ने कहा, ठीक है। और ये कहकर के उन्होंने क्या किया, एक समिति बना दी, ठीक है। और अगले दिन यहाँ पर डिस्कशन, अगले दिन बैसाखी का दिन था, ठीक, आप समझ रहे हैं ना हम आपको कहाँ ले चल रहे हैं, क्या हुआ था, पूरी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी लिख लें फिर आगे बताते हैं क्या हुआ था। आज भी जलियांवाला बाग में वो सारी चीजें विद्यमान हैं,
कभी मौका मिले पंजाब अमृतसर जाने का तो देखिएगा वहां पर, ठीक है। आज भी गोलियों के निशान वहां पर दिखाई पड़ते हैं दीवारों पर, ठीक है। 1650 राउंड गोलियां चली थी, सोचिए कितना बड़ा नरसंहार हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। तो वो बात सोचेंगे ही तो आप काफी मतलब अपने आप उससे मैं सिंपैथी तो नहीं कह सकता, लेकिन सिंपैथी आपकी जरूर हो सकती है वहां पर। खैर चलिए पहुंचते हैं वहां पर भी हम, तो ये समझ में आ गया रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट अब रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट की बात क्या है, रोलेट सत्याग्रह। आप लोग एक काम करिए, रेड लाइन के ऊपर एक चीज लिख लीजिए अपनी कॉपी में, रेड लाइन के ऊपर एक चीज लिख लीजिए, क्या रोलेट समिति, समिति से क्या आया रोलेट एक्ट आया, है ना। और रोलेट एक्ट के विरोध में क्या शुरू हो गया, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट समिति, रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह। और ज्यादा जानना चाहते हैं तो यही इसके आगे जोड़ लीजिए, भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम। तो भारत रक्षा अधिनियम के कारण समिति बनी, फिर रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट के विरोध में क्या शुरू हुआ, रोलेट सत्याग्रह। पहला पॉइंट आ जाएगा रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में। कोई बताएगा रोलेट एक्ट होता है क्या, जल्दी से आप बताइए रोलेट एक्ट क्या होता है, क्या होता है रोलेट एक्ट, हाँ बताइए। ये तो नाम हो गया, गांधी जी ने दिया था इसका, ये है क्या, सत्य आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। दूसरी बात, वो अपने वकील नहीं कर सकता, वो अपील नहीं दे सकता कोई भी, है ना, ये सारी चीजें सफाई नहीं पेश करता, और गुप्त अदालत के तहत उसे मुकदमा चलाया जाएगा और 2 साल में उसको सजा हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रोलेट एक्ट। राइट, अब रोलेट एक्ट के विरोध में, जो एक्ट समझ गया कि मैंने जैसे बोला, अब इसके विरोध में, इनके अपोज में क्या लाएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह लाया गया, रोलेट सत्याग्रह लाया गया। ये बात समझ में आ गई, रोलेट एक्ट के विरोध में क्या लाया गया, रोलेट सत्याग्रह लाया गया। चलिए अब रोलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ तो बताएं पहले क्या हुआ, 7 अप्रैल याद रखिए, बता रहा हूं वही बार बार, 7 अप्रैल 1919 को विश्व व्यापी हड़ताल, पहला काम यह हुआ था, ठीक, पहला काम क्या हुआ, हड़ताल कर दी गई 7 अप्रैल को, ठीक। और दूसरा काम किया, गांधी जी को पंजाब आने से रोक दिया गया, ठीक, गांधी जी को पंजाब आने से रोका, ठीक। तीसरा पॉइंट, क्योंकि पंजाब बहुत जाएंगे तो बहुत ज्यादा हड़ताल और ज्यादा और व्यापक रूप से कर देंगे, भूख हड़ताल उत्पन्न ना कर दें, इसलिए उनको पंजाब आने से रोक दिया गया। अब क्या होगा बताइए, 9 अप्रैल 1919 को क्या होगा, गांधी जी गिरफ्तार, पहले इनको अंदर तो रोने के लिए बहुत परेशान करेंगे, ठीक। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर देखा गया कि गांधी जी का साथ कौन दे रहा था, कौन बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार करो, तो डॉक्टर सत्यपाल नाम याद रखिएगा, प्लस सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक, गिरफ्तार। सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार हो गए, सत्यपाल भी गिरफ्तार हो गए, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बसता है, लाला हंसराज, ठीक है, बहुत बड़े नेता थे ये, इन्होंने हिंदू स्कूल था एक वहां पे, हिंदू स्कूल था पंजाब में ही है अभी भी है, वहां पर सबको कलेक्ट किया और कहा कि हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, और अगले दिन डिस्कस करने के लिए पहले एक दिन सबको क्या किया, इकट्ठा किया। अच्छा, इससे पहले चीज और हुई थी 11 अप्रैल को, मैंने नहीं बताया, सुनिए 11 अप्रैल को क्या होता है, मार्शल ला लागू कर दिया गया। मार्शल ला समझते हैं, सेना का शासन, अभी मेहमान हुआ था उस दिन पहले, आन सान सू की का नाम सुना है, अच्छा ये छोड़िए मैं बता रहा हूँ, एक सेना का पाकिस्तान में भी कई बार कब्जा हो चुका है, जहां जब कभी कभी कुछ देशों में ऐसा होता है, सेना की ताकत को जो गवर्नमेंट होती है उससे ज्यादा पावरफुल बताया जाता है, बात समझ रही, तो सेना का जो जनरल होता है वही पूरी सत्ता पर अधिकार कर लेता है, और फिर ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं मार्शल लॉ, ठीक है। तो 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू होता है, और इस लॉ के तहत क्या हुआ, इस लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति सभा नहीं कर सकता था और सेना की ताकत बढ़ गई है, ठीक। तो 11 अप्रैल 1919 को माइकल ओ डायर, आर डायर नहीं, दो है डायर, एक ओ डायर एक आर डायर, दोनों अलग अलग है, जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर, दोनों अलग अलग है। तो मार्शल लॉ
मार्शल लॉ लागू किसने किया था? माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर ने लागू किया था 11 अप्रैल 1919 को। जी बिल्कुल। अच्छा, इस लॉ के तहत आप सभा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाला हंसराज को ये बात पता नहीं चली थी, मतलब आप कहीं पर भी बैठ करके सभा नहीं कर सकते हैं, इस लॉ का प्रमुख नियम था। मार्शल लॉ भी लिख दे रहा हूं क्या होता है, मार्शल लॉ जो है सभा नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, और सेना की ताकत बढ़ जाती है। मार्शल लॉ में सेना की ताकत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, सेना की ताकत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक, इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। तो 11 तारीख को मार्शल लॉ लागू हो गया, यानी आप सभा अब नहीं कर सकते, है बात की नहीं? लेकिन फिर भी सभा हुई, गोलियां चली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक इतना समझ में आ गया। रोलेट संधि क्या थी, रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट सत्याग्रह क्या था, अंदर समझ में आ गया। रोलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ आपको समझ में आ गया, गांधी जी ने क्या क्या काम किया, 7 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल क्या हुआ, 10 अप्रैल क्या हुआ, 11 अप्रैल क्या हुआ, अब देखिए 12 अप्रैल क्या हुआ। 12 अप्रैल 1919 को लाला हंसराज, लाला हंसराज ने हिंदू स्कूल, हिंदू स्कूल पंजाब में है, में एक सभा की, सभा का एजेंडा क्या था कि कैसे गांधी जी सत्यपाल और पिछलू को हम बाहर निकालें, इसके लिए हम मीटिंग करें, इसके लिए हम क्या करें, मीटिंग करें। लेकिन कब? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग, वहां पर हमें मीटिंग करनी है, ये बात तय हो गई 12 अप्रैल 1919 को। बात समझ में क्या कह रहे हैं, 13 अप्रैल को हमें क्या काम करना है, ये बात कब तय हुई? 12 अप्रैल को तय हुई। कहां पे तय हुई? हिंदू स्कूल में तय हुई। किसने तय करी? लाला हंसराज ने तय करी, ठीक। और इस मीटिंग की अध्यक्षता भी 13 अप्रैल को लाला हंसराज ही करेंगे, ये भी तय हो गया। लाला हंसराज ने पहले कन्हैया जी को कहा कि आप मीटिंग की अध्यक्षता करिए, कन्हैया जी ने अपना नाम वापस ले लिया, कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा 13 अप्रैल को, इसलिए आप ही मीटिंग की अध्यक्षता करिए, जबकि वो भी पहुंच गए थे, ठीक। चलिए, ये सब क्रांतिकारियों के नाम है। चलिए आगे बात करते हैं, अब क्या हुआ? हिंदू स्कूल में सभा की, सभा का एजेंडा कि अगले दिन मीटिंग करनी है, ठीक। सभा का एजेंडा क्या था? एजेंडा मतलब उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य था, इस सभा का उद्देश्य, इस सभा का उद्देश्य 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में विचार करना कि गांधी जी सत्यपाल और किचलू को कैसे आजाद करें, कैसे आजाद करें। अब जरा बताइए, क्या सभा कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना, फिर ये क्या करने लगे? सभा करने लगे। बात ये इनको आजाद नहीं, ये कहा गया था कि सभा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्शल लॉ लग गया था, ठीक। चलिए अब क्या हुआ, 13 अप्रैल को देखिए एकदम।